हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम सूजी का नाश्ता बनाने चल रहे हैं। तो एक कटोरी हमने सूजी लिया था, उसमें 2 चम्मच बेसन है। अब हम एक बारीक कटा हुआ प्याज ले रहे हैं और हरी धनिया बारीक कटी हुई, अब इसमें हरा मिर्च हम डाल दिए हैं, 1/2 छोटा चम्मच जीरा है हमारा, स्वाद अनुसार नमक ले रहे हैं, इसका अब हम घोल बनाएंगे। घोल हमको ज़्यादा पतला नहीं करना है और ना तो ज़्यादा सूखा करना है, मीडियम रहना चाहिए। तो इस तरह हमारा घोल बन के रेडी हो रहा है। सभी चीज़ों को अच्छे से मिला के घोल तैयार हो रहा है। ये घोल बन गया है, इसको 10 मिनट के लिए हम ढक देते हैं, सभी चीज़ सेट हो जाए इसमें अच्छे से। ये देखिए घोल सेट हो गया है, तो इसमें और हम थोड़ा सा पानी मिला लेते हैं, अभी सूखा है। पानी मिला के अच्छे से हम मिला ले रहे हैं, इसको फेंट ले रहे हैं। इसमें 1/2 छोटा चम्मच हम सोडा डाले हैं मीठा, इसको भी मिला ले रहे हैं, ज़्यादा इसको नहीं फेंटेंगे हम। पैन में हम ऑयल लगा दे रहे हैं। अच्छी तरीके से ऑयल लगाने के बाद तिल, सफ़ेद तिल हम जो है सफ़ेद तिल डाल दे रहे हैं इसमें। इसके बाद जो घोल तैयार किए हैं उसको हम बराबर से फैलाएंगे। बराबर से चम्मच से बराबर से हम इसको गोला फैला ले रहे हैं। हम फैला लिए हैं तो इसको ढक देते हैं और गैस धीमा कर देते हैं, हमको धीमा गैस पे इसको पकाना है। दस मिनट हमारा हो गया, तो देखिए हल्का हल्का ये पक गया है, पता चल रहा है। इसको अब हम हल्का से ऑयल लगा के ब्रश से पलट देते हैं। इसको पलट देते हैं ताकि दूसरी तरफ अच्छे से ये भी हो जाए। ये देखिए हम पलट दे रहे हैं, ये हम इसको दबा के सेक ले रहे हैं। इधर भी हम ढक दे रहे हैं, पक गया है। अब दोनों तरीके हम अच्छे से तेज आंच में इसको सेक ले रहे हैं। ये गैस बंद करके हम प्लेट में निकाल लिए, हमारा सेक उठा है अच्छे से दोनों तरफ से। इसको अब हम चाकू से कट करने चल रहे हैं। तो आप जिस तरह काटना चाहते हैं उस तरह कट कर सकते हैं। हम इसको 4 भाग में कट कर ले रहे हैं। प्लेट में निकाल लिए हैं और ये टमाटर की चटनी है हमारी तीखी। ये इस तरीके से हमारा डिश बन के रेडी हो गया है। और मेरा तरीका अगर पसंद आया हो तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। सभी भाई बहनों को नमस्कार।